वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जो हम पढ़ रहे थे, हम सिक्स्थ क्लास का कक्षा का भूगोल का पहला अध्याय पढ़ रहे थे, जिसमें हम सौरमंडल और पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। उसमें हमने कुछ चीजों के बारे में अध्ययन किया था, कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, पूर्णिमा अमावस्या, कुछ खगोलीय पिंड पढ़े थे, तारों के बारे में, सूर्य के बारे में पढ़ा था, चंद्रमा के बारे में कुछ अध्ययन किया था। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे हमारा सौरमंडल। सौरमंडल को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सोलर सिस्टम। क्या कहते हैं सौरमंडल को? सोलर सिस्टम। ये देखिए, ये है हमारा सौरमंडल, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। तो इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो पहले देखते हैं कि सौरमंडल की परिभाषा क्या है। सूर्य, आठ ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ये हमारी इसकी परिभाषा होगी। इसके ये जो क्षुद्र ग्रह है और जो उल्का पिंड है, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये जो है, ये मिलकर सौरमंडल बनाते हैं, हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो हम एक बार अपने सोलर सिस्टम का ये मैप वापस देख लेते हैं। ये देखा आपने क्षुद्र ग्रह, के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और उल्का पिंड जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये ध्यान रखिए, क्षुद्र ग्रह यहाँ पे, तो सूर्य के सबसे पास पहले नंबर पे बुध ग्रह, दूसरे पे शुक्र ग्रह, तीसरे पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल, पांचवे पे बृहस्पति, छठे पे शनि, सातवें पे भूगोल सॉरी सातवें पे उरेनस, आठवें पे नेपच्यून। तो ये हमारे आठ ग्रह हो गए, जिनसे मिलकर के सौरमंडल बना है। इसमें सूर्य को भी हम मान रहे हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टिका को भी मान रहे हैं, और हमारा जो उल्का पिंड है उसको भी मान रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हमें सिर्फ ये बताना है कि उल्का पिंड भी यहाँ पे आ, और कुछ अन्य उपग्रह भी हो सकते हैं। उपग्रह मतलब सैटेलाइट्स जो है वो हो सकते। तो ये हमारा सौरमंडल का परिभाषा होगा। अब उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम सौर परिवार का नाम दे देते हैं कि भाई हमारा सौरमंडल का परिवार, इसका मुखिया कौन है? सूर्य। हर किसी का एक मुखिया होता है, हर गांव का मुखिया होता है। मुखिया क्या करता है? अपने गांव को, जितना भी वहां का प्रजातंत्र है उसको संभालता है। उसी तरीके से जितने भी ग्रह हैं उनको संभालने का जिम्मा सूर्य पे है। सूर्य उनको अपनी उष्मा, अपना जो प्रकाश है उनसे देके उन्हें संभाल, इस वजह से मुखिया सूर्य। तो हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। ग्रह, सूर्य, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सब होते क्या है, इन सब के बारे में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है सूर्य। कि भाई सूर्य क्या है, क्या होता है सूर्य, तो देखते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। आप सब देख रहे हैं यहाँ पे सूर्य कहाँ पे स्थित है, ये जो सौर मंडल है उसके केंद्र में स्थित है। तो केंद्र में क्यों है? क्योंकि ये आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे ही सीमित नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से गोल गोल बने हुए हैं, इस तरीके से जो है बने हुए हैं ये आगे भी। तो सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। हर एक सर्कल का एक केंद्र होता है। तो मैंने अभी आपको सर्कल बताया, उनका केंद्र है सूर्य। तो सूर्य सौरमंडल का एक केंद्र, यह बहुत बड़ा है, बिल्कुल बहुत बड़ा है, एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। हीलियम का नाम सुना, तो गर्म गैस वो सबसे ज्यादा इसमें। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। खिंचाव बल क्या होता है? खिंचाव बल जो है पुलिंग फोर्स, इसका जो है पुलिंग फोर्स होता है, एक खिंचाव बल होता है जो इनको अपनी जगह पे बना के रखता है।
ठीक है, वहां से ये हिलते नहीं है, पृथ्वी वीनस की तरफ, वीनस पृथ्वी की तरफ, ऐसे कभी आपने जाते आते सुना है? नहीं, क्योंकि वो अपनी ही जगह पे हैं, वो किसी और जगह पे नहीं जाते। तो ये सौर मंडल अपने सूर्य जो है अपने खिंचाव बल से सौर मंडल को बांधे रखते हैं। मुखिया है, मुखिया तो खिंचाव बल रखेगा, सबको बांधे के चलेगा, सबको सामान लेके चलेगा। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत, बिल्कुल एकमात्र स्रोत है प्रकाश का सूर्य। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते। आप सबको पता होगा कि सूर्य की जो ऊष्मा है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा प्रकाश होता है, मगर हम उसे महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। क्योंकि सबसे नजदीक तो है, बट साथ ही साथ ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है, और बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से हम इसका प्रकाश अनुभव इतना नहीं कर पाते, करते हैं बट इतना अधिक नहीं करते जितना अधिक ये हमें प्रकाश दे सकता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आप देखिए 15 करोड़ किलोमीटर कितने ज्यादा होते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर बहुत ज्यादा, इतनी दूर है सूर्य पृथ्वी से, तो हमें उसका प्रकाश इतना ज्यादा अनुभव इसी वजह से नहीं, समझ गए? तो ये हो गया हमारा सूर्य। आपसे पूछ सकते हैं सूर्य की परिभाषा, तो आप ये बता सकते, सबको समझने में आया क्या है ये? अब हम बात करेंगे किसकी, आठ ग्रहों, उनमें ग्रह क्या है। तो भाई ग्रह क्या होते हैं, सूर्य की तो बात कर ली, मुख्य की बात कर ली, मुख्य के जो भी लोग हैं उनकी बात करते हैं, तो लोगों में ग्रह है कई सारे। तो ग्रह क्या होते हैं, तो ग्रह के बारे में अगर देखें तो हमारे सौरमंडल में आठ ग्रह हैं, है नहीं है, बिल्कुल है, हमारे सौरमंडल में पूरे मिला के आठ ग्रह हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। क्या बताया मैंने, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उरेनस, हमारा नेपच्यून, हमारा जुपिटर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, जुपिटर मतलब बृहस्पति, जो मैंने आपको बताया। ये देखिए इसमें साफ साफ पता लगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये हमारे आठ ग्रह। तो सौरमंडल में आठ ग्रह, सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार देखें तो सबसे पास सूर्य के कौन है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। सबसे पहले सूर्य के पास क्या है, बुध पहले नंबर पे, फिर हमारा शुक्र दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे नंबर पे मंगल, पांचवे नंबर पे बृहस्पति, छठे नंबर पे शनि, सातवें नंबर पे यूरेनस और आठवें नंबर पे नेपच्यून, समझ गया? तो ये सारे हमारे आठ ग्रह हैं और सूर्य के दूरी के अनुसार हमने इन्हें विभाजित किया। अब सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में हम इन ग्रहों को याद भी कर सकते हैं, वो कैसे, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। जो नट्स होते हैं ना, नट्स का आपने सुना, मूंगफलियां हो गई, काजू, बादाम, ये सब क्या होते हैं, नट्स होते हैं। तो ये क्या है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, तो इससे आप याद कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है तो इससे क्या हो जाएगा, एम मरकरी, मरकरी मतलब बुध, वी वीनस, वीनस मतलब शुक्र, ई अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, एम मार्स मंगल, जे जुपिटर बृहस्पति, एस सैटर्न शनि, यू यूरेनस, एन नेपच्यून, एस मतलब सैटर्न, एस ए टी यू आर एन, इसका मतलब भी क्या होता है, शनि ही होता है, हिंदी में अगर इसे बोले तो शनि बोलते हैं, और जे जुपिटर, यू पी एर, जुपिटर को हम हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं, एम मार्स, आप सबने मार्स का नाम तो सुना ही होगा, मतलब मंगल, और ई अर्थ पृथ्वी, वी वीनस मतलब शुक्र, और एम हमारा बुध मतलब मरकरी, ठीक है। तो ये हमारे ग्रह हो गए, इससे हम याद करते हैं, ये हमारा यूरेनस
और नेपच्यून, इंग्लिश में भी वही लिखेंगे और हिंदी में भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, इससे आप याद कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में याद करनी है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में याद करना है तो आप इससे कर सकते हैं। आपको समझने में आ गया? अब आगे देखते हैं, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगे, ये आप सब देख रहे हैं। इससे एक सभी पथ है, इनके जो सफेद लाइनें आप देख रहे हैं, ये इनके एक रास्ते हैं जिन पे ये चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों, इस तरीके से यू गोल गोल चक्कर लगाते हैं इस तरीके, ठीक है, इलोंगेटेड वे में। इलोंगेटेड मतलब इस तरीके के पाथ है, यू 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 चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देखते हैं, ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। देखा आप, मैंने आपको बताया दीर्घ वृत्ताकार में ये रास्ते फैले हुए हैं, दीर्घ वृत्ताकार आप ध्यान रखिए, ये कक्षा कहलाते हैं। ये जो दीर्घ वृत्ताकार में मैंने आपको बताया ना, ये क्या होते हैं, ये कक्षाएं कहलाती है, इनकी कक्षाएं होती है, देखिए ये जो कक्षाएं होती हैं हम क्या कहते हैं, कक्षाएं, कक्षाओं को ऑर्बिट भी कहा जाता है, हम कक्षाएं कहते हैं। अब बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, देखिए हम बुध सबसे नजदीक है सूर्य के, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। कितने? 88 दिन। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है और अपनी कक्षा में जब ये सूर्य के चक्कर लगाता है तो इसे एक चक्कर लगाने में कम से कम कितने दिन लगते हैं? ये बुध जो चक्कर लगाते हैं तो इसे 88 दिन लगते हैं पूरा एक चक्कर सूर्य का लगाने में। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ये आप ध्यान रखिए कि जो शुक्र है उसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, वो पृथ्वी का एकदम जुड़वा ग्रह होता है उस पर, क्योंकि उसका आकार, इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है, पृथ्वी के समान ही शुक्र ग्रह है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पृथ्वी जैसा ही वहां पे मौसम सब कुछ सेम है, ऐसा नहीं है। उसका जो आकार है, उसकी जो आकृति है वो पृथ्वी के समान है, मतलब साइज जो है उसका वो पृथ्वी के समान है, जो उसकी शेप है, आकृति है, वो पृथ्वी के समान है, इस वजह से वो उसका जुड़वा ग्रह बोला जाता है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, आज तक जो है हम प्लूटो को एक ग्रह मानते थे, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में करी और वहां ये निर्णय ले लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए नए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोन ग्रह कहे जा सकते हैं। तो कुछ समय पहले ऐसा माना जाता था कि नेपच्यून ही नहीं प्लूटो भी एक ग्रह है, मगर फिर अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन में एक बैठक हुई 2006 में और वहां पे क्या बोला गया, वहां पे एक निर्णय लिया गया कि हम इन खगोलीय पिंड जो हैं, जैसे ये प्लूटो है, इन जैसे पिंडों को बोन ग्रह की श्रेणी में डाल देते हैं, कि हम इन्हें क्या कहेंगे, हम इन्हें बोन ग्रह कहेंगे, हम इन्हें एक नवा ग्रह नहीं मानेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, पृथ्वी। पृथ्वी का क्या रोल है भाई, पृथ्वी जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, मैंने आपको बताया सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है हमारा तीसरा ग्रह है, सूर्य ये रहा पहला, दूसरा तीसरा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है, पृथ्वी हो गया, तो पृथ्वी हो गया, ठीक है। अब पृथ्वी तीसरा ग्रह हमने आपको बता दिया सौरमंडल में, अब आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, दूरी में तो तीसरा है सूर्य से, मगर इसका आकार जो है ना हमारे आठों ग्रह में पांचवा है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह भी आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, सबसे बड़ा ग्रह होगा बृहस्पति, बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति मतलब जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह,
और ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, यह ध्रुवों के साथ थोड़ी चपटी है, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है, क्योंकि ये देखिए इस तरीके से पृथ्वी का आकार ये यूं होता है। ये ध्रुव है ना जो हमारे, यहाँ पे थोड़ी चपटी होती है, ये देखिए चपटी है, तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। इस वजह से इसके आकार को हम क्या कहते हैं, गोल तो कह ही नहीं सकते कि भाई ये गोल है, गोल तो है नहीं, गोल तो एकदम यूं होना चाहिए, एकदम इसको बिल्कुल एकदम सीधा सेंटर के साथ, मगर ऐसा तो नहीं है, तो इसे गोल ना कहकर भू आब कहते हैं। ये हमारा सही नहीं है, सही हमारा ये, तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, भू आब कहते हैं। ठीक है, भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। इस पृथ्वी के समान आकार अभी हमने किसका देखा था, किसका देखा था, इसके समान आकार हमने देखा था शुक्र का, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है। ये देखिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना। ठीक है, तो हम आगे देखो, तो इसका मतलब शुक्र भी जो है उसका आकार भी क्या होगा, भुआ वैसा ही होगा। अब हम आगे देख रहे हैं कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। जो जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी हमारे पादप हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उन सबके लिए पृथ्वी एक अनुकूल जगह है। तो पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है, ना तो वो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है, बिल्कुल बैलेंस है, ना तो वो अधिक गर्म है और ना ही वो अधिक ठंडी है, तो एकदम बैलेंस में बना हुआ है। यहाँ पानी और वायु भी है। आप जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो किससे मिलती है, पादपों से मिलती है, और पादप जो है उन्हें पानी चाहिए होता है, तो पानी हमारे पृथ्वी में होता है, तो पृथ्वी के पास पानी है, पानी की वजह से हमारे पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधों की वजह से हमारी वायु भी है, तो वायु और पानी जहां होगा वहां हमारा जीवन हो सकता है, और ऐसा जीवन हमें केवल आज के समय पृथ्वी पर ही मिल रहा है। मंगल पे हमें पानी मिल रहा है मगर वहां पे वायु वैसी नहीं मिल रही, तो कई सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। इस वजह से पृथ्वी पे जीवन संभव है, सिर्फ पृथ्वी पे जीवन, केवल पृथ्वी पे। ठीक, ये आप ध्यान रखिए, केवल पृथ्वी पे, और कोई ग्रह ऐसा नहीं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, ऐसा कोई और ग्रह नहीं, सिर्फ ये पृथ्वी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक है गैसें, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है जो हमारे लिए जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह। क्या है सबसे अद्भुत ग्रह, यूनिक, आपसे बोलते हैं ना अरे ये तो यूनिक है, ये सबसे अलग है, तो वो अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। आप अगर अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ेगी, क्यों, तो आपसे समुद्र को देखा होगा वो भी नीला होता है, और आधा जो आधे से ज्यादा जो पृथ्वी है वो क्या है, समुद्र में है, तो समुद्र की वजह से पृथ्वी जो है ऊपर से देखने पर नीली प्रतीत होती है, क्योंकि इसकी दो तिहाई सतह पानी से ढकी हुई है, जो मैंने अभी आपको बताया, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पृथ्वी। सबको समझने में आया यहां पर पृथ्वी में क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे चंद्रमा, क्या देखेंगे, चंद्रमा, कि चंद्रमा किस तरीके का होता है। तो चंद्रमा को हम देखते हैं, तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। उपग्रह क्या होता है, सैटेलाइट, उपग्रह किसे कहेंगे, सैटेलाइट को। ठीक है, तो चंद्रमा इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई, क्या है, एक चौथाई। तो चंद्रमा का जो व्यास होता है ना, व्यास क्या होता है, आप सबको पता है, ये अगर हमारा कोई गोला है, कोई सर्कल है, तो इसके अगर ये केंद्र है तो यहां से लेकर के यहां तक का क्या होगा, ये व्यास होगा। ये व्यास होगा हमारा, तो इसका व्यास जो ये चंद्रमा है, इसका व्यास ये यहां से यहां तक का ये व्यास,
पृथ्वी के व्यास का, अगर ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई, तो ये एक चौथाई है इसका पृथ्वी के व्यास। जो ये हमारा व्यास है ना पृथ्वी का, इसका एक चौथाई है, इसका अगर हम टुकड़े कर दे चार, एक दो तीन चार, तो उसका एक ये जो पार्ट है ना एक चौथाई, उतना इसका व्यास, ठीक है। ये हमें बताया गया है यहां, सबको समझने में आ रहा है। आगे देखो, यह इतना बड़ा इसीलिए प्रतीत होता है, इसी वजह से ये क्या होता है हमें इतना बड़ा प्रतीत होता है, क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी का इतना सा है मगर ये इतना बड़ा है, क्यों, क्योंकि ये हमें अरे पास में है और हमें बड़ा दिख रहा है, तो इस वजह से ये बहुत बड़ा है। इसका पृथ्वी का एक चौथाई भाग भी बहुत बड़ा होता है, व्यास का एक चौथाई भाग, व्यास का मतलब इतनी बड़ी दूरी, उसका एक चौथाई भाग होना, ठीक है। और ये पृथ्वी भी ऐसी नहीं है, आप जानते हैं मैंने आपको बताया था ऐसी होती है पृथ्वी, तो यहां से यहां तक का व्यास माना जाएगा, ठीक है। पृथ्वी गोल तो होती नहीं है ना, पृथ्वी तो इस तरीके की होती है दीर्घवृत्ताकार, तो इतना व्यास माना जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक भी है। और जो हमारे अन्य खगोलीय पिंड है, अन्य तारे हैं और दूसरी जगह है, वो सबसे ये नजदीक है, इस वजह से ये बड़ा दिखता है। तारे आप सबने देखे हैं और भी, वो छोटे छोटे दिखते हैं, क्यों, बहुत दूर है, ये नजदीक है, मगर सबसे नजदीक तो क्या है, सूर्य, सूर्य इससे भी बड़ा, मतलब वो सबसे नजदीक है, ये उससे थोड़ा सा दूर है मगर नजदीक तो है, क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है इस वजह से नजदीक है, ठीक है। सूर्य के बाद इसी का नंबर आता है पृथ्वी से नजदीक, अगर देखा जाए तो इसी वजह से हमें ये बड़े दिखते हैं। तो यह हमसे लगभग 384,400 किलोमीटर दूर है, कितना, 384,400 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते, अभी हमने सूर्य पढ़ा था, उसमें भी दूरी पड़ी थी कि पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, इसमें भी दूरी पड़ी कितनी दूरी पर है, आप तुलना कर सकते। अब हम कुछ यहां पे चीजें बताई गई है उन्हें भी एक बार देख लेते हैं कि यहां पे क्या क्या बताया गया है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम आगे बढ़े इन चीजों को बताते हुए, तो इसमें पहला क्या बताया हुआ है, एक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है, इन फैक्ट्स को आप ध्यान रखिए, फैक्ट्स मतलब ये तथ्य होते हैं जो संसार ने एक्सेप्ट किए हुए हैं। तो प्रकाश की गति लगभग 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, कितनी, 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये हमारा एक तथ्य है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अब आप सब सोचेंगे कि भाई इतना एक सेकंड में 300,000 किलोमीटर की गति से अगर कोई प्रकाश आ रहा है उसे 8 मिनट क्यों लग रहे हैं, उसका क्या कारण है, इसका कारण एक ही है और वो ये है कि हमारे यहाँ कई सारे अदर ऑब्जेक्ट भी होते हैं जिस वजह से प्रकाश जो है रुकता रहता है, ठीक है। तो इस वजह से हमें 8 मिनट का समय लगता है, लगभग 8 मिनट, ये एक तथ्य जो आपको याद रखना है, आपसे अगर एक मार्क्स में पूछा जा सकता है कितने मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, 8 मिनट का समय, ठीक है। तो ये आपके एक रोचक तथ्य हो गया। अब हम सिर्फ एक और आपके लिए रोचक तथ्य बताते हैं, इसके बाद हम बाकी सब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और वो क्या है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा को इस सतह पर कदम रखा था। आप सब जानते होंगे नील आर्मस्ट्रांग जो है वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहला कदम रखा। मालूम करना है अब आपको, ये आपका होमवर्क है,
कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है, ये आपको मालूम करना है। ये आपका होमवर्क है कि भाई मालूम करना है कि कौन सा भारतीय चंद्रमा पर गया हुआ है। नील आर्मस्ट्रांग तो पहला व्यक्ति था जो चंद्रमा पर कदम रखा। दूसरा व्यक्ति भारतीय व्यक्ति जो है वो कौन था जिसने चंद्रमा पर जाने की प्रयास किया और वहां पे गया। ये आपका होमवर्क है और बाकी चीजें हम अब अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।